अगर आप घर के बाहर पेंट कराने का सोच रहे हैं तो आपके मन में काफी चीजें आएंगी कि यार सबसे लॉन्ग लास्टिंग पेंट कौन सा होता है, या बारिश में खराब कौन सा होगा, अगर आप रेनफॉल एरिया में रह रहे हैं तो कौन सा बढ़िया पेंट होगा, या फिर आपके यहाँ पे मतलब जंगल टाइप एरिया है तो वहाँ पे बर्ड्स जो हैं उनका जो वेस्ट आता है वो आपके घर पे जाता है तो वो भी आपके घर की लुक को खराब करता है, चाहे आपने नया पेंट करा, तो उसके लिए बेस्ट पेंट कौन सा रहेगा। तो आज मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल अब इसमें इतनी सारी सीरीज है, इतने सारे पेंट्स की कंपनी, इतने सारे टाइप के पेंट्स हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि पेंट्स कौन सा चूज करना है। तो फिलहाल के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज बना रहा हूँ, एशियन पेंट्स की सीरीज। इसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, जैसे कि उसकी कॉस्ट क्या है, किस लोकेशन में सबसे बढ़िया रहेगा, उसकी फिनिशिंग क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसका माउंट क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटेक कोच पे, और मैं हूँ आपका इंटेक कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो एशियन पेंट्स की एक सीरीज सीरीज में जो सबसे पहली सीरीज आती है वो होती है एज सीरीज। ये पॉकेट फ्रेंडली रेंज होती है, मतलब काफी सस्ती सीरीज है। इसमें जो टोटल चार टाइप के पेंट आते हैं, ए स्पार्क, एस एक्सीलरेटेड इमल्जन, एस एडवांस एंड एस शाइन। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं ए स्पार्क। इसकी नॉर्मल 20 लीटर की बाल्टी और 2400 से 2600 रुपए की होती है। ये हम जनरली रेंटल प्रॉपर्टी स्टोर या शॉप्स में करते हैं। कवरेज इसकी 80 से 100 स्क्वायर फीट होती है, दो कोट में 1 लीटर पेंट के लिए। ये बिल्कुल वेदर प्रूफ पेंट नहीं है। फिनिशिंग इसकी कुछ खास नहीं होती है, लेकिन अगर हम रेटिंग्स के हिसाब से बात करें तो 10 में से 2 होती है। शेड इसमें 800 के आसपास आ जाते हैं। ये पेंट एंटी फंगल नहीं होता है, मतलब कि अगर कभी बारिश हुई और कहीं से पेंट उखड़ा या पुराना हो गया है तो वहां पे फंगल कभी नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो इसकी लाइफ होती है वो होती है करीब 1 से 1.5 साल। और ये पेंट पीलिंग रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि पेंट में जो पपड़ी निकल निकल के अपने आप गिरने लगती है ये उसको थोड़ा सा रोक लेता है, ये इसका एक फायदा है। नेक्स्ट जो पेंट आता है वो पेंट आता है हमारा एस एक्सटीरियर इमल्जन। ये एस पाक का एक थोड़ा एनहेंस वर्जन है। इसकी जो बकेट का रेट है वो 2400 से अगेन 2600 रुपये है। अगेन ये रेंटल प्रॉपर्टी में और शॉप्स में किया जाता है, मतलब कॉमर्शियल स्पेस पे कर सकते हैं। अगला जो इसका कवरेज है वो भी सेम है। वेदर ये स्पार्क से थोड़ा सा एनहेंस इसलिए क्योंकि इसमें जो वेदर प्रूफ एबिलिटी है वो 30% है, लेकिन ये हैवी रेनफॉल एरिया में नहीं लगेगा। ये जनरली राजस्थान साइड जैसे एरिया में हम लगा सकते हैं। इसकी जो फिनिशिंग रेटिंग अगेन उतनी कुछ खास नहीं है, 10 में से 2 नंबर। एंटी फंगल ये नहीं है। लाइफ इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये करीब 2 साल के आसपास हो जाती है। अगेन ये पीलिंग रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट जो पेंट आता है वो है आपका एस एडवांस। ये अगेन थोड़ा सा और एनहेंस वर्जन है, बट अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप एस एडवांस की जगह एस इमल्जन ही लगाएं, मतलब इससे पहले वाला पेंट ही लगाएं, क्योंकि इसमें भी कुछ खास चीजें नहीं जोड़ी गई हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें जो दो चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन होगी कि एक इसकी लाइफ है वो 2 से 2.5 साल हो जाती है, और ये पेंट में एक मिनिमल वाटर रेजिस्टेंट आ जाता है। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब होगा कि पानी इस पर गिरेगा तो अंदर इतनी जल्दी पानी नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है आपका एस शाइन। अगेन अब इसमें अगर आप सेम प्रॉपर्टी सारी सेम है, बस इसकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें हम 10 में से 5 नंबर डाल सकते हैं। शेड्स इसमें करीब 1600 के आसपास है। लाइफ इसकी वही रहेगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, बट अगर आप पेंट में थोड़ा सा शाइन चाहते हैं तो इस पेंट को मैं रिकमेंड करूंगा, आप ये लगा सकते हैं। उसके बाद जो एशियन पेंट्स ने सीरीज लगाई है, जो पर्सनली मैं अपनी साइट्स में करता हूँ, वो बहुत ही अच्छी सीरीज लगती है मेरे को, जो कि एपेक्स सीरीज है। आपने कई बार टीवी में ऐड में भी देखा हो जिसमें रणबीर कपूर टीवी की में ऐड करता है एशियन पेंट्स के एपेक्स सीरीज में। तो इसमें सीरीज में टोटल हमारे 3 टाइप के पेंट आते हैं। तो सबसे पहले जो पेंट आता है हमारा वो होता है एपेक्स डस्ट प्रूफ इमल्जन। इसकी जो बकेट का रेट है 20 लीटर का 4500 से 4700 रुपये। ये अगेन मैं कहूँगा आप घर में कराइए, आप कॉमर्शियल में चाहें भी तो इसको करा सकते हैं। कवरेज इसकी अगेन 80 स्क्वायर फीट ही आती है, दो कोट में 1 लीटर पेंट के लिए। हाँ, पर ये वेदर प्रूफ पेंट है जो इसमें एक्स्ट्रा एक एबिलिटी आ गई है। फिनिशिंग इसकी अच्छी होती है, 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं। एंटी फंगल होता है ये और स्टेन फ्री भी होता है, मतलब कि अगर कहीं पेंट पुराना हो गया तो इतनी जल्दी उसमें स्टेन नहीं आएंगे। अगेन इसकी लाइफ बढ़ जाती है, करीब 4 से 5 साल हो जाती है। और ये पेंट यूवी प्रोटेक्शन है, मतलब कि जो सूरज की किरणें आएंगी वो इस पेंट को इतनी जल्दी खराब नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो पेंट आता है वो होता है एपेक्स डस्ट प्रूफ एडवांस एंड शाइन। ये 2 टाइप के पेंट है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया कि उनमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप शाइन चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एपेक्स डस्ट प्रूफ शाइन पेंट को आप यूज करिए, एडवांस को ना यूज कीजिए, क्योंकि इसमें कोई खास एबिलिटीज नहीं है। इसके मुकाबले आप इससे पहला वाला पेंट यूज करें। ये सिर्फ एक सीरीज में एक एड ऑन डाला गया है, पता नहीं क्यों डाला गया एशियन पेंट्स के थ्रू। बाकी फर्स्ट पेंट या फिर आप अगर शाइन चाहते हैं तो थर्ड वाला जो ये पेंट है एडवांस शाइन पेंट, ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज आती है, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है और आप
एक्सटीरियर में खर्चा कर सकते हैं। तो फिर आती है एशियन पेंट्स की एपेक्स अल्टीमा सीरीज़। ये काफ़ी अच्छा पेंट है, मैंने काफ़ी जगह यूज़ किया है और मेरे को भी ये काफ़ी अच्छा पेंट लगा, क्योंकि काफ़ी पेंट्स ऐसे होते हैं जो बोला जाता है इस टाइप में है, वैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पर वो कभी प्रूफ नहीं मिलता हमको, बट इस सीरीज़ में हमें प्रूफ भी मिला है। तो एपेक्स अल्टीमा सीरीज़ में सबसे पहले जो आता है वो होता है एपेक्स अल्टीमा। एपेक्स अल्टीमा की जो कॉस्ट है वो 20 लीटर की 6300 से 6700 के आसपास है। अगेन ये घर में आप कमर्शियल में कहीं भी कर सकते हैं, कवरेज इसकी सेम रहेगी, वेदर प्रूफ है, फिनिशिंग इसकी 10 में से हम 8 रेटिंग दे सकते हैं, एंटी फंगल है और ये डर्ट पिकअप नहीं करती है। डर्ट पिकअप का मतलब हो गया कि अगर कोई भी धूल आपके घर पे आई तो नॉर्मल हवा से भी वो धूल उड़ जाएगी, उसके साथ चिपकेगी नहीं। लाइफ जो है इसकी वो 6 से 7 साल है। अगेन ये भी यूवी प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट जो पेंट आता है वो है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक। ये उसका काफी एनहेंस वर्जन है। इसका जो रेट है वो 7500 टू 7800 के आसपास है। ये हम वहां लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होता है, हैवी रेनफॉल होता है। कवरेज अगेन इसकी सेम है, वेदर प्रूफ पेंट है, फिनिशिंग काफी अच्छी है। अगेन ये भी एक एंटी फंगल पेंट है और ये डर्ट नहीं पिक करता है। बस इसमें जो मेन एनहेंस वर्जन आ गया है कि ये 10 साल की लाइफ है इसकी, यूवी प्रोटेक्टेड पेंट है ये। और जो नया पॉइंट इसमें जुड़ जाता है वो है क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि कभी अगर प्लास्टर आपका वीक है या अंदर से ब्रिक या स्ट्रक्चरली कोई कमजोरी आई और पेंट फटने के चांसेस है, तो पेंट फटने की जगह थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन ये पेंट में क्रैक, जो हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं, वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पेंट आता है वो आता है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनो। अब मैं कहूंगा अगर आप इस पेंट को सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा आप ये पेंट को ना लगाएं, इससे पहले वाला ही पेंट लगा लें जो कि है आपका एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। अब मैं इस पेंट को रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसे इफेक्ट नहीं है, सारी चीज सेम है, बस लाइफ थोड़ी सी स्पैन बढ़ जाता है। ये पैसे खराब करने वाली बात है, मैं इस पेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो अब तक का सबसे बेस्ट पेंट आया है वो है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट ड्यूरो लाइफ। मतलब एशियन पेंट्स ने इसमें तो जान ही डाल दी है। अब मुझे नहीं पता घर के एक्सटीरियर के लिए इससे ज़्यादा पेंट में और क्या आ सकता है। इस पेंट की कॉस्ट काफ़ी महंगी है, 10,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये का है ये। ये अगेन हैवी रेनफॉल एरिया में लगाना चाहिए, कवरेज इसकी अगेन वही रहती है, वेदर प्रूफ है, फिनिशिंग बहुत ही एक्सट्रीम फाइन कर दी एशियन पेंट्स ने, शेड्स भी काफ़ी सारे हैं इसमें। अगेन ये एंटी फंगल है, पिकअप नहीं करता डर्ट को, लाइफ इसकी एशियन पेंट्स कहता है कि 15 साल है, बट ये पेंट मैंने अभी तक कहीं नहीं कराया तो मैं नहीं कह सकता। यूवी प्रोटेक्टेड पेंट है, क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी भी है और लास्ट जो इसमें नया पॉइंट जुड़ गया जो इस पेंट की और भी खासियत बढ़ा देता है वो है प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर एबिलिटी। मतलब इसको अगर मैं आपको नॉर्मल समझाऊं तो आपके घर को एक पॉलीथीन से या प्लास्टिक से लेमिनेट कर दिया गया है, एक लेयर ऐसी चढ़ जाती है इस पेंट में कि उसे फिर बारिश से, सन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर बारिश भी हुई तो पानी आपकी दीवार के अंदर नहीं आएगा, पेंट उसको कहीं से भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सीधा सीधा स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मेन एक ही मोटिव है कि आप लोगों को मैं अपडेट कर सकूँ, अवेयर कर सकूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको किसी से पूछना ना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने से जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है बताइए। टिल देन हैव अ गुड डे।